Hello kids, today I am explaining you the chapter number 6, A Boy Made of Wood. A boy made of wood का मतलब एक ऐसा लड़का जो कि लकड़ी का बना हुआ है. आज मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So open page number 68 of your book, of your English literature book. The picture show four different kinds of puppets. Write the names of the puppets and the plants worked in pairs. आपने आपको पेज नंबर 68 पे कुछ पॉपेट्स दिए गए हैं अलग अलग तरीके के. आपने क्या करना है, इन पॉपेट्स के आगे आपको पिक्चर शो की गई है. इन पॉपेट्स की आपने ऊपर यहाँ पे नेम दिए गए हैं फोर. आपने पॉपेट की इमेज के अकॉर्डिंग उसका नेम यहाँ मेंशन करना है. लाइक ये कौन सा पॉपेट है, हैंड पॉपेट. आपको इसी तरीके से इसको पहचान कर कि ये कौन सा पॉपेट है वो लिखना है. Now page number 69. अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. A long time ago, there was a clockmaker named Gepetto. He lived all alone. बहुत समय पहले की बात है कि एक clockmaker यानी एक घड़ी बनाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था Gepetto और जो कि lived alone. Alone का मतलब होता है अकेले रहना. तो वो क्या रहता था, अकेला रहता था. एवरी टाइम ही हियर्ड द क्लॉक्स गो टिक टॉक टिक. हियर्ड का मतलब सुनना. तो हर समय उसको एक आवाज सुनाई देती थी किसकी, घड़ी की, टिक टॉक टिक की. टिक टिक घड़ी, टिक टिक की आवाज आती है ना घड़ी में से, वो हर समय उसको सुनाई देती थी. ही फेल्ट हैप्पी. उसको कैसा महसूस होता था, हमेशा वो खुश रहता था. उसको मतलब घड़ी की जो आवाज थी ना उसको सुन के बड़ी खुशी मिलती थी. बट ऑफन व्हेन ही वाज अलोन ही लॉन्ग फॉर अ चाइल्ड. लेकिन बहुत टाइम अकेले रहते रहते उसको क्या हो गया था, लॉन्ग फॉर longed for का मतलब बहुत ज्यादा चाहत रखना. तो मतलब उसको क्या लगने लगा था कि मेरे पास एक बच्चा होना चाहिए. उसको एक बच्चे की मतलब बच्चे की जरूरत महसूस होने लगी थी कि उसके पास भी एक बच्चा होना चाहिए. If only I had a son to call my own. सिर्फ मेरे पास एक बच्चा हो जिसको मैं अपना बच्चा बोल सकूं. सन कौन होता है, बेटा. तो उसको एक बेटे की चाहत थी. ही यूज टू थिंक. वो ज्यादातर ये मतलब इस चीज को सोचने का मतलब ज्यादातर उसके दिमाग में यही सोच आने लगी थी. वन डे Gepetto हैड एन आइडिया. एक दिन Gepetto को एक विचार समझा. आइडिया का मतलब एक विचार. ही मेड अ पपेट आउट ऑफ वुड. उसने क्या बनाया, एक पपेट. एक पपेट यानी एक पुतला टाइप का. और उसने वो पुतला किससे बनाया था, लकड़ी से. ही इवन स्ट्रिच स्मार्ट क्लॉथ्स एंड कैप फॉर इट. और उसने और क्या किया, उसने सिर्फ लकड़ी का पुतला ही नहीं बनाया, लकड़ी का पपेट ही नहीं बनाया बल्कि उसके लिए कपड़े भी बनाए और उसके लिए एक स्मार्ट सी कैप भी बनाई. दिस इज माई चाइल्ड, आई विल कॉल हिम Pinocchio, said Gepetto. Gepetto ने क्या बोला कि ये मेरा बच्चा है, मेरा चाइल्ड है जिसका नाम है Pinocchio, मतलब मैं उसको Pinocchio बोलूंगा. That night Gepetto went to bed with Pinocchio by his side. उस रात Gepetto ने क्या किया कि वो बेड पर जाकर सो गया और उसने अपने साइड में, अपने पड़ोस में किसको सुलाया, Pinocchio. A big star was shining in the sky. और एक बहुत बड़ा जो तारा था वो आसमान में चमक रहा था. Gepetto gazed at the star and said. Gazed का मतलब किसी भी
चीज को बहुत लंबे समय तक देखते रहना, बहुत लंबे समय तक हम उस चीज को घूर रहे, तो वो होता है गेस्ट। तो जो गैपेटो था वो उस स्टार को ना बहुत देर तक घूरता रहा, उसको बहुत देर तक देखता रहा, और उसने बोला इफ आई कुड मेक अ विश, अगर मैं एक इच्छा कर पाता, विश का मतलब एक दुआ मांगना या फिर इच्छा करना, आई वुड आस्क फॉर माई ओन सन, अ रियल सन। अगर मैं कोई इच्छा कर पाता तो मैं क्या इच्छा करता कि मेरा खुद का अपना एक बेटा हो, जिसको मैं अपना खुद का अपना सच वाला बेटा मान सकूं। उसने जो बनाया था वो क्या था, लकड़ी का ही तो पपेट बनाया था उसने, लेकिन उसकी चाहत क्या थी कि उसको रियल में, जैसे आप लोग होते हो रियलिटी में ही, तो वो आप लोगों के अंदर जान है, आप खा सकते हो पी सकते हो, लेकिन उसका जो बेटा उसने बनाया था वो लकड़ी का था, और उसको बिल्कुल आपके जैसे एकदम रियल वाला बेटा चाहिए था। तो ये वो मतलब सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसी इच्छा कर पाऊं। As soon as Capito fell asleep, और बहुत ही जल्दी क्या हुआ कि Capito जो था वो सो गया। The star floated in his bedroom. क्या हुआ कि हवा में से एक तारा जो था, हवा के थ्रू एक तारा क्या था उसके बेडरूम में आ गया, फ्लोटेड। फ्लोटेड का मतलब धीरे से हवा के सहारे आ जाए। इट टर्न इन टू अ ब्लू फेरी, और वो तारा जो था वो टर्न का मतलब चेंज हो जाना, वो किस में चेंज हो गया, एक परी में, एक नीले कलर की परी में, फेरी। लिटिल पपेट शी सेड टू पिनाचियो, उसने क्या बोला, छोटा, लिटिल का मतलब छोटा होना, जैसे आप छोटे बच्चे हो ना, लिटिल किड्स, ऐसे उसने लिटिल पपेट यानी छोटा सा पुतला पिनाचियो को बोला, टुमारो यू विल वॉक एंड टॉक लाइक अ रियल बॉय, कल तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल एक रियल, एक असली के लड़के की तरह चलना है और बोलना है, वॉक एंड टॉक, चलना है और बोलना एकदम असली के लड़के की तरह। शी टैप्ड पिनाचियोस हैंड विद हर हैंड, उसने क्या किया, जो अपनी छड़ी थी ना उससे पिनाचियो के सिर पे ऐसे ऐसे टैप, मतलब घुमाया छड़ी को इस तरीके से, घुमाया अपने हाथों से उसने छड़ी को इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाया। पिनाचियोस आईज ओपन, और पिनाचियो की जो आंखें थी वो क्या हुई, खुल गई। He looked at the blue fairy in disbelief. और उसने disbelief का मतलब, disbelief का मतलब बिल्कुल विश्वास ही नहीं होना उस चीज पे। बिल्कुल हम चकित हो जाए, एकदम आश्चर्य हो जाए, हमें एकदम सरप्राइज हो जाए। तो क्या हुआ कि जो पिनाचियो था उसने अपनी आंखें खोली, और वो किस तरीके से फेरी को किस तरीके से देखने लगा, एकदम सरप्राइज होके, एकदम आश्चर्यचकित होके। द फेरी स्माइल्ड एट हिम, टर्न एंड वेंट आउट ऑफ द विंडो, फेरी ने क्या किया, परी ने क्या किया कि उसकी तरफ देखकर स्माइल की, उसकी तरफ देखकर हंसी, और क्या किया, विंडो से यानी खिड़की से बाहर चले गए, या वापस चले गए, बाहर चले गए या वापस चले गए। The next morning when Capito woke up, जब अगले दिन Capito जगा, the next morning when Capito woke up का मतलब जग जा, या जग गया, woke up का मतलब जग जा। Pinocchio was not in bed, जो Pinocchio को उसने अपने पास में सुलाया था और वो लकड़ी का पपेट था, लेकिन वो बेड पे नहीं था। Where has the puppet vanished? Vanished का मतलब गायब हो जाना। तो उसने बोला कि अचानक से वो पपेट कहाँ चला गया। Wondered the old man. Wondered का मतलब सोचना, विचार करने लगा। Wondered का मतलब सोचना, विचार करना। तो वो ये सोचने लगा कि अचानक से वो पपेट कहाँ चला गया, वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि वो कहाँ गया। He looked around
एंड सॉ पिनाचियो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विंडो, और वो अराउंड का मतलब अपने आस पास में देखने लगा कि जो पिनाचियो वो कहाँ गया है, और पिनाचियो बिल्कुल विंडो के खिड़की के बिल्कुल पास में ही, खिड़की के बिल्कुल साइड में क्या हुआ, खड़ा हुआ था। एंड एज देयर आईज मेट, पिनाचियो शाउटेड इन जॉय, फादर हियर आई एम योर सन। उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपने फादर से यानी कैपिटो से अपनी आईज मिलाई, आंखें मिलाई, वो वैसे ही बड़ी खुशी से, जॉय यानी एकदम खुश हो जाना, एकदम खुशी से ये बोलने लगा, मतलब उसको अपना फादर बोलने लगा और बोला, फादर फादर हेयर आई एम योर सन, फादर यानी पिताजी मैं आपका, मैं यहाँ पे हूँ आपका बेटा। गैपेटो वॉज शॉक्ड एंड हैप्पी। जो गैपेटो था वो गैपेटो वॉज बोथ शॉक्ड एंड हैप्पी। गैपेटो शॉक्ड भी था, शॉक्ड का मतलब एकदम अचंभे, अगर कोई लकड़ी का पुतला अचानक से रियल बॉय बन जाएगा तो हर कोई एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा ना, एकदम अचंभित हो जाएगा कि ये क्या हो गया। वो इसलिए खुश भी था और चकित भी था, एकदम से हैरान भी था, शॉक्ड का आप बोल सकते हो कि वो हैरान था। दिस इज अ मिरेकल, मिरेकल का मतलब कोई जादू सा हो जाना। अब अगर कोई लकड़ी का पुतला एकदम से रियल बॉय बन जाएगा तो किसी को भी लगेगा ना कि ये जादू हो गया है। He said to himself, उसने खुद से कहा कि ये कोई जादू है। He ran and hugged Pinocchio, वो बहुत मतलब हाँ वो दौड़ा और उसने क्या किया, Pinocchio को गले लगा लिया। Thank you and have a nice day.